नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी ग्रेजुएशन स्तर के लिए नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों पहले जारी किया था। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आप देख सकते हैं, 10 अक्टूबर ये नोटिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो भर्तियां हैं उनके लिए जारी किया गया है। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये भर्तियां होनी हैं, जिसके लिए ये सीईटी एग्ज़ाम होगा पहले और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। पहली है आपकी राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल की भर्ती, दूसरी राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती, तीसरी है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकेंड, यानी जो एलडीसी पहले हुआ करती थी, जो कि दो पेपर उसके होते थे और उसके बाद में डायरेक्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होता था, लेकिन इस बार आपको पहले सीईटी क्लियर करना होगा और उसके बाद ही आप जब क्वालिफाई होंगे उसके आधार पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में कनिष्ठ सहायक की, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकेंड, इसके अलावा राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में जमादार ग्रेड सेकेंड और राजस्थान पुलिस सेवा के अंतर्गत कांस्टेबल भर्ती के लिए ये सीईटी एग्ज़ाम आपका होगा। तो अब आगे अगर विस्तृत जानकारी इसके बारे में देखें तो सारे नियम वही हैं जो कि ग्रेजुएशन स्तर के हैं। सीधा सीधा एक रूल आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीईटी का सर्टिफिकेट होगा ये आपका एक वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है, और जो भी अगर एक साल में कम से कम एक बार तो आयोजित होगी ही, कम से कम एक बार आयोजित होगी ऐसा यहाँ कहा गया है। इसका मतलब ये है कि साल में दो बार भी आयोजित ये हो सकती है। दो बार आयोजित अगर होती है तो उस स्थिति में जो भी आपका अधिकतम स्कोर होगा दोनों में से उसे आप उसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं और उसे मान्य किया जाएगा। ये सीनियर सेकेंडरी स्तर का है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर की होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए आपको RSCIT का सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, SSO ID पर जा कर के आपको जिस तरीके से आप आज तक रजिस्ट्रेशन करते आए हैं उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। आवेदन की तिथि के बारे में आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या है। तो सामान्य क्रिमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 है, नॉन क्रिमिलियर के 350 है, SC ST और जो अदर कैटेगरी है विशेष योग्यजन के 250 रुपये फीस है। अब बात करते हैं, सामान्य दिशा निर्देश वही हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, भूतपूर्व सैनिकों को जो है उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा इसमें इस पूरी विज्ञप्ति में दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि जो अलग अलग पद हैं अलग अलग विभाग के, जैसे वनपाल की है तो उसके लिए आयु सीमा 18 से 40 है और शैक्षणिक योग्यता आपकी जो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, तो सभी के लिए सीनियर सेकेंडरी है। और ये जो पोस्ट हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं 2 से लेकर 5 तक की, यानी छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकेंड, शासन सचिवालय लोक सेवा आयोग और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के लिए आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष, इसके अलावा आपके सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य या इनमें से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट या कोई डिग्री डिप्लोमा या RSCIT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कंप्यूटर में कुल मिला के आपके पास किसी भी तरीके का कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं। बाकी ये सीनियर सेकेंडरी इसकी स्तर है, तो सीनियर सेकेंडरी के अलावा अगर RSCIT है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, डिप्लोमा ले रखा है कंप्यूटर में, तो भी आप अप्लाई सीधा कर सकते हैं। इसके अलावा जमादार ग्रेड सेकेंड के लिए 18 से 40 है, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए।
इसके अंतर्गत भूतपूर्व जो सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन कमिश्नर्ड अधिकारी के रैंक के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष यहाँ पर ध्यान रखना आयु वर्ष है और इसमें 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी। अब बात करते हैं आयु, आयु में जिस तरीके से नोटिफिकेशन अभी निकला था कि जो अभ्यर्थियों को कोरोना की वजह से कोविड की वजह से जो अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है उसके अंतर्गत आपको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा अन्य पिछड़ा इनके लिए राजस्थान के मूल निवासियों को 5 वर्ष सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनके लिए 10 वर्ष की छूटें दी जाएगी। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कब तक आवेदन कर सकते हैं, कब शुरू होंगे, तो आवेदन जो शुल्क है आवेदन आपका जो शुरू होने वाला है शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है, तो इससे पहले आपको अप्लाई करना है। परीक्षा का आयोजन एग्ज़ाम डेट भी यहाँ दी गई है, परीक्षा आपकी 18 फरवरी 19 फरवरी 25 फरवरी और 26 फरवरी को करवाई जाएगी। इसमें तारीखों में चेंजेस भी किया जा सकता है, एक से अधिक चरण में अगर होती है परीक्षा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपके जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर उसकी जानकारी भेज दी जाएगी और सामान्य एसएसओ पोर्टल से आप आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अयोग्यताओं के संबंध में ये सारी अयोग्यताएँ हैं जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने के अलावा जो सिलेबस मुख्य चीज़ जो है सिलेबस और परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों परीक्षा की स्कीम आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी, आपका ये कंप्लीट सिलेबस है और 150 प्रश्न आएंगे 300 मार्क्स के, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, समान अंकों के होंगे, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। तो कौन कौन से इसमें सिलेबस में टॉपिक्स हैं आपके, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत यानी राजस्थान के आर्ट कल्चर हिस्ट्री, इसके अलावा भारत का और राजस्थान की जियोग्राफी है, इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था है भारत की और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी भी इसमें सम्मिलित है, एवरीडे साइंस है यानी आपका साइंस बेसिक जो दैनिक जीवन की साइंस है उसके बारे में, तार्किक विवेचन मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य हिंदी जनरल इंग्लिश कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये आपका बेसिक सिलेबस है। विस्तृत रूप में आप देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इसके अलावा इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश राजव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, इसके अलावा स्थापत्य कला आंदोलन जनजागरण प्रजामंडल आंदोलन एकीकरण भाषाएं साहित्य संगीत लोक नृत्य संत कवि योद्धा लोक देवता मेले त्यौहार रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण आदि। इसके अलावा भारत और राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है पॉलिटी का पूरा सारे टॉपिक्स जो हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री विधानसभा उच्च न्यायालय, इसके अलावा राज्य लोक निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव मानवाधिकार आयोग सूचना आयोग जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज सब कुछ सम्मिलित है। कुल मिला के आर एस प्री का कंप्लीट सिलेबस इसमें सम्मिलित है और प्लस उसमें हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर का सिलेबस भी एड उसमें किया गया है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी है, ये सारे टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत, ऊर्जा के सोर्स हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, दैनिक साइंस में अगर देखें तो वही आपकी सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री और 10th लेवल तक की जो बायोलॉजी जियोलॉजी के क्वेश्चन जो है जूलॉजी के क्वेश्चंस है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल घनफूल ये सारी चीज़ें हैं, गुणनखंड बहुपद के समीकरण अनुपात समानुपात प्रतिशतता लाभ हानि साझा सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बट्टा, ये पूरा वो सिलेबस है जो कि आपके
सामान्यतया जो रीट के लेवल में रीट के पेपर में आता है तो रीजनिंग वाला सिलेबस लगभग वही है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हिंदी की, तो संधि संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची अनेकार्थक विपर्यार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, असंज्ञा सर्वनाम, विशेषण, लगभग पूरी जो आरएस की जो हिंदी के लिए आरएस का जो मेंस का सिलेबस रहता है हिंदी के लिए वो पूरा सिलेबस है। इंग्लिश में लगभग वही सिलेबस है जो कि आपके एलडीसी का मुख्य परीक्षा का रहने वाला है, और जो एलडीसी में पहले भी रहता है। तो हिंदी इंग्लिश का पूरा सिलेबस वही है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस वही है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, रैम रोम फाइल इनपुट आउटपुट और एमएस ऑफिस, समसामयिक आपके सिलेबस है, समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर्स का जो व्यक्ति स्थान संस्थाएं खेल कूद से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों ये पूरा जो है नोटिफिकेशन है सीईटी सेकेंडरी स्तर के लिए, तो जो भी कैंडिडेट्स एलडीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस सीईटी में अप्लाई ज़रूर करना है। और इसके अलावा जो ये 7 पोस्ट बताई गई हैं इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करना है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही जो मुख्य परीक्षा इनके लिए इन पदों के लिए जो अलग से मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इसमें क्वालिफाई होने चाहिए। फिर जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें क्या उसका क्राइटेरिया रहता है उसके अनुसार फिर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।